आकाश चोपड़ा ने हाल ही में खुलासा किया है कि भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के फैंस ने उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया कि उन्हें कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से तौबा करनी पड़ी थी। इस साल ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप होना है। टीम इंडिया के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने हाल ही में T20 विश्व कप के लिए अपनी टीम इंडिया चुनी थी। क्रिकेट से कमेंटेटर बने आकाश चोपड़ा ने अपनी टीम से महेंद्र सिंह धोनी को बाहर करने का साहसिक कदम उठाया था। आकाश ने अपनी 14 सदस्य टीम में दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज धोनी की जगह केएल राहुल और ऋषभ पंत के रूप में दो विकेटकीपर बल्लेबाजों को चुना था। बहुत गालियां दी और ये सिलसिला चलता ही रहा। उन्होंने मेरे बच्चों को भी गालियां दी। मैंने उनसे कहा कि कृपया मुझे क्षमा करें, जो हुआ है सो हुआ। आकाश चोपड़ा ने धोनी के भविष्य को लेकर अजीत अगरकर के विचार पूछे थे। अगरकर ने कहा कि लोग धोनी के भविष्य के बारे में चर्चा करते हैं, इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उन्होंने लगभग एक साल तक किसी भी तरह की क्रिकेट नहीं खेली। अगरकर ने यह भी कहा कि धोनी और चयनकर्ताओं के बीच बात हुई होगी। 42 साल के इस पूर्व ऑलराउंडर ने कहा कि धोनी के फैंस उन्हें फिर से खेलता देखने चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें क्रिकेट को फिर से शुरू करना होगा। अगरकर ने यह भी कहा कि वास्तव में मुझे नहीं पता, रिटायर होना या ना होना MS धोनी का फैसला है, चयन करने का नहीं करना सिलेक्टर्स का फैसला है। अगर उनकी योजना में वो फिट बैठते हैं तो उस खिलाड़ी के लिए जितने एक साल तक नहीं खेला है ऐसे में उन्हें चुनना मुश्किल होगा। बड़ी बात यह है कि आकाश चोपड़ा की इस खुलासे के बाद से अब काफ़ी ज़्यादा धोनी और उनके फैंस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।